प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट का तो व्यायाम करें, और सुबह 20 मिनट अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे तीव्र व्यायाम करना चाहिए कि एक बार पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाए। मैं रोज लगभग 3 से 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, 10 मिनट लगते हैं, 8-10 मिनट में पूरे शरीर से पसीना चूने लगता है। तो एक बार सुबह आपके माथे से लेकर के पूरे शरीर में पसीना चूना चाहिए। इसके 4-5 बड़े लाभ हैं। सुबह तेज व्यायाम कर लेने से एक तो 100 साल तक आपके शरीर में एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहेगा, और आप अपने आप को कभी बुढ़ा, वृद्ध अनुभव नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, ये साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि जो 20 मिनट तीव्र व्यायाम, तीव्रता का अभिप्राय अपने अपने सामर्थ्य, कोई बच्चा है, कोई जवान है, थोड़ा उम्र बढ़ रही है, तीव्रता उसके अकॉर्डिंग है। ऐसा करने से न मोटापा बढ़ेगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, न बीपी, न शुगर, न कोलेस्ट्रॉल, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी, न अनिद्रा, न तनाव, मंदाग्नि, इंडाइजेशन, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी का कम होना, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी का कम होना, ये सब नहीं होगा, तो लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होंगे। दूसरा लाभ। तीसरा लाभ, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। आजकल पतंजलि ने भी वो स्क्रब निकाल दिए हैं, जो बड़े घरों की माँ बहन बेटियाँ हैं और जो भाई बहुत कॉन्शियस हैं कि मैं सुंदर दिखूँ, तो ना स्क्रब करते हैं, और बड़े महंगे महंगे आते हैं, तो चेहरे पर लगाएंगे, बॉडी पर भी कई तरह से ये कार्यक्रम चलते हैं, फेस से लेकर के, फेस की ज़्यादा चिंता रहती है लोगों को, लेकिन जो व्यायाम करते हैं उनके पूरे शरीर की चमड़ी का रंग ऐसे होता है जैसे माँ की कोख से तुम पैदा हुए थे, वैसे ही तुम्हारी चमड़ी का रंग 100 साल तक रहेगा। अरे साहब, इसके लिए कितना दुनिया के अंदर हजारों लाखों करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं कि मैं तो जवान दिखूं ही, मेरी चमड़ी भी जवान दिखे। ये चमड़ी का, चमड़ी और दमड़ी, यही दो चक्कर है लो ये दुनिया। मैंने स्किन एंड प्रॉस्पेरिटी, ये दो का चक्कर बहुत ज्यादा है। तो चेहरे से लेकर के पूरे शरीर की जो चमड़ी है ना, वो एकदम बच्चे जैसी रहेगी।